सब्सक्राइब कीजिए टिकटैक चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस पहले देखने के लिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तारीफ और आप देख रहे हैं चैनल टिकटैक। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दें, क्योंकि चैनल की तरफ से जो भी नया वीडियो अपलोड हो आप तक जल्दी ही पहुँच जाए। इसके लिए सबसे पहले तो आपको जाना होगा प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर में जाकर सर्च करना होगा टेलीपोर्ट, ये आ गया, और इसको आपको इंस्टॉल करना होगा। मैंने तो पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आपको अगर इंस्टॉल आपने नहीं किया है तो आप वहाँ पे देगा इंस्टॉल करने के लिए, तो आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आप खुलने दीजिए। अगर आप कोई फ़ोटो खींचते हैं तो आप फ़ोटो खींच के उसका बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं, और नहीं तो आप अपना गैलरी में जो फ़ोटो है उसको भी आप अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक फ़ोटो चूज कर लेता हूँ, मैंने एक फ़ोटो चूज किया और इसका क्रॉप कर लीजिए कितना पे आपको बैकग्राउंड चेंज करना है उतना पे नहीं, और जो टिक है साइन किया हुआ उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के पास कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये कुछ सेकेंड की टाइम लगे, ऐड आते रहते हैं, इसको आप कैंसिल कर दीजिए। और आप इसमें हेयर वगैरह सब चेंज कर सकते हैं। ये अपना प्रोसेस में है, हो गया। अब इसको देखिए, आप बैकग्राउंड में जाइए या हेयर कलर में जाइए या कॉलेज में जाइए। देखिए हेयर कलर जो है काफ़ी चेंज हो जाती है, बहुत सारा दिया गया है इसमें हेयर चेंजिंग का और बैकग्राउंड चेंजिंग का, तो आप कर सकते हैं। अब देखिए हम बैकग्राउंड में, तो आप फ़ोटो को कहीं भी ला सकते हैं, इधर लग सकते हैं या दाएं लग सकते हैं या बाएं ला सकते हैं, और अच्छा लगता है अगर बैकग्राउंड अगर चेंज हो तो। देखिए बहुत सारा दिया हुआ है चेंज करने के लिए बैकग्राउंड, और आप अपना अगर चाहेंगे तो कस्टम भी अपना कर सकते हैं बैकग्राउंड। किसी फ़ोटो को आप अपना पीछे लगा लें, उस पर से अपना फ़ोटो लगा लें, वो अच्छा। आप अपना स्क्रीन का भी चेंज कर सकते हैं कलर, बैकग्राउंड भी अगर आप कस्टम रहो अपना कस्टम अपना अगर चढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं कस्टम चूज कर लेता हूँ इमेज, उसके बाद वहाँ पर एडिट करूँगा। तो मैंने ये कस्टम चेंज करके, मान लीजिए ये अगर मैं बैकग्राउंड में चाहता हूँ ये फ़ोटो, और ऊपर से मेरा वो फ़ोटो रहे, तो इसको हम करेंगे। देखिए वो फ़ोटो बैकग्राउंड में चला गया, और ये इसको आप कहीं भी आप लगा सकते हैं, कहीं भी आप अपना सेट कर लीजिए। और अगर आप वही इमेज को अगर ब्लर करना चाहते हैं लाइक DSLR और दूसरा कोई जैसा, तो आप उसको ब्लर भी कर सकते हैं। हल्का ब्लर रखिए या कितना भी ब्लर रखिए, और इसमें कॉलेज भी करने के लिए देता है कि वही फ़ोटो 3-4 में हो जाए या 2 में हो जाए या 3 में हो जाए, तो ऐसे करने के लिए ये इसमें। ये तो ऐप्स हमको बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इसमें हेयर कलर भी देता है, बैकग्राउंड भी हो जाता है चेंज, फेस अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं, और अगर ब्लर करना चाहते हैं अपने अगर इमेज को तो वो भी हो सकता है, जिससे कि वो बहुत ही अच्छा दिखता है और वो लगता है कि DSLR से खींचा हुआ है। देखिए ये मैंने अपना ब्लर कर दिया, यहाँ पे मून बैकग्राउंड मून कर दिया, और इसको आप सेव कर लीजिए। मैंने इसको अपने गैलरी में अपना सेव कर लिया। वो जो साइन दिया हुआ है टिक का तीर जैसा नीचे उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगी, और आप गैलरी में जाकर आराम से आप अपना देख सकते हैं। तो हम अपना गैलरी में चल कर देखते हैं कि है या नहीं है। तो चलिए गैलरी खोलते हैं। गैलरी खोले, उसका एक फोल्डर अलग से बन जाएगा। देखिए टेलीपोर्ट, देखिए यहाँ पे ये आ गया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।